अस्सलाम वालेकुम, मैं विक्रम बजाज पाकिस्तान टीवी से आपके लिए लेकर आया हूं ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के वजीर आजम ने लिया एक बड़ा फैसला, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान रत्न का खिताब देने का। क्यों, कहां, कैसे, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के जो वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, उनका ये मुतालबा है मोदी से कि ये सर्जिकल स्ट्राइक साबित करो। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहां ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। केजरीवाल साहब ने जो ये नुक्ता उठाया है, ये बड़ा जबरदस्त नुक्ता है और इनकी पूरी कौम को ये नुक्ता उठाना चाहिए। उनके DGMO, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी, प्राइम मिनिस्टर, उनके वजीर दफा, ये कैसे दावा करते रहे हैं कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। हाँ, पाकिस्तान रत्न अरविंद केजरीवाल, जरा सोचिए, इस तनाव भरी स्थिति में जब देश अपने कितने सपूत खो चुका है, तब इस आम आदमी ऑफ पाकिस्तान ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झूठा साबित करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या हक है किसी भी पॉलिटिशियन को देश के सैनिकों के बलिदान पर उंगली उठाने का? क्या हक है किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को आतंकवाद को खुले आम समर्थन देने का? पर ये तो केजरीवाल की पुरानी आदत है, इन्हें आतंकियों से पुराना प्यार जो है जी। जब इशरत जहान और उनके तीन साथी 2004 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मारने आए, तब अहमदाबाद पुलिस ने उनके इस इरादे को नाकाम कर दिया और बाद में पुलिस ने ये घोषित भी किया कि ये चारों आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौयबा का हिस्सा थे। आतंकवादी के इरादों को विफल करने वालों की प्रशंसा करने की बजाय उन्होंने बार बार जांच की मांग की इशरत को मासूम साबित करने के लिए। इशरत जहां के मामले में हमारी पार्टी ने खुल के डिमांड की थी कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। बाटला हाउस केस में तो प्रशांत भूषण और सिटीजंस की एक कमेटी बनाकर खुद एविडेंस कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया। बाटला हाउस मामले में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। प्रशांत भूषण जी और एक सिटीजंस की कमेटी बनी थी जो मौके पे गई थी और उन्होंने वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इकट्ठे किए थे। आखिर केजरीवाल के लिए आतंकवादियों पर किए गए अटैक हमेशा फर्जी क्यों होते हैं? जब अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और कहा था कि उसकी डेड बॉडी को समुंदर में फेंक दिया है, तब तो दुनिया में किसी भी देश ने अमेरिका से सबूत नहीं मांगे थे। पर यहाँ केजरीवाल या तो मासूम नादान बालक हैं या तो देशद्रोही जो आतंकवादी सप्लायर देश को प्रेम पत्र लिख रहे हैं, प्रिय पाकिस्तान आओ हमारे सैनिकों को मारो, और जब वो वापस अटैक करने आए ना तब उनसे सबूत जरूर मांगना। जमाना बहुत खराब है, हमारे सिपाही आपको अंधेरे में मारकर चले गए तो हद है यार। केजरीवाल के राजनीति शास्त्र के अनुसार हमारे सोल्जर्स को हर वक्त एविडेंस देते रहना चाहिए, जैसे कि चेक्ड इन टू POK, फीलिंग एक्साइटेड, ट्विटर पर स्टेटस रखना चाहिए कि किलिंग टेररिस्ट, ऑल द एविडेंस इज अटैच्ड, लाइव टेलीकास्ट ऑफ सर्जिकल अटैक एट 2 AM, प्लीज डू नॉट मिस, प्रेस इनवाइटेड ऑन LOC फॉर सर्जिकल स्ट्राइक कॉन्सर्ट्स। प्रिय केजरीवाल, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या संदीप कुमार के सेक्स कांड की DVD है जो लोगों में बांटी जाए? ये तो कुछ नहीं है जी। एक ऐतिहासिक ट्वीट कर केजरीवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान नहीं भारत अकेला हो रहा है, जबकि इस्लामाबाद में होने वाले SAARC समिट का सभी देशों ने विरोध किया और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद एक भी देश ने भारत का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया। वैसे जिस पार्टी की वेबसाइट पर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था उनसे आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इनके साथ साथ निरुपम, चिदंबरम जैसे कुछ कांग्रेसी नेता भी हैं लाइन में जो अपने छोटे मोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं कुछ नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के दिलों में आतंकवादियों के लिए करुणा का सागर क्यों छलक जाता है। हाँ, अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। दरअसल मोदी का विरोध करते करते ये भारतीय सेना का विरोध कर बैठे, भारतीय सेना का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोधी बन बैठे और देश का विरोध करते करते पाकिस्तान के दोस्त बन बैठे हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो होता है। तो अब जरा सोचिए, हमें पाकिस्तान या आतंकवाद से ज्यादा खतरा है या ये गंदी नीच देश को शर्मसार करके रखने वाली राजनीति से? ऐसे राजनेता जो विश्व भर में भारत का नाम डुबो रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? ये जरा सोचिए।